जो पहले उद्धव जी ने शिवसेना में किया, खुद मुख्यमंत्री बन गए और अपने बेटे को मंत्री बना दिए, वैसे भी एनसीपी में भी हुआ है और उसमें औरंगजेब और टीपू सुल्तान का उदात्तीकरण होता है, उनके फोटो निकालते हैं, उनको उनका बैनर लगाते हैं। ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बिल्कुल, और महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देगा। महाराष्ट्र में हमारी शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार स्थापित हुई, तभी से देश भर से 23 राज्यों के प्रमुख, उपराज्य प्रमुख, बड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इन्होंने बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, विकास के विचार जो है, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़कर सत्ता की लालच में, सरकार बनाने के लालच में, जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। लेकिन हम लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली सरकार स्थापित करके शिवसेना भाजप के गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित कर दी, जो लोग भी चाहते थे। लोगों के मन में भी वही बात थी, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में और बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव लड़े थे 2019 का। लेकिन लोगों का मैंडेट था कि शिवसेना भाजप की सरकार बने। दुर्भाग्यवश यह सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाई गई, लेकिन तब से महाराष्ट्र की जनता भी नाराज थी और हमारे बाबा साहब ठाकरे जी के विचार वाले विधायक भी नाराज थे, सांसद भी नाराज थे। और आप सब जानते हो उस वक्त जो 10-11 महीने पहले हुआ कि 50 विधायक शिवसेना पार्टी के बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन का सरकार बना दिया। और 13 सांसद उन्होंने भी मुझे बाबा साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना को समर्थन दे दिया। एक इतिहास है ये पूरी तरह हिस्टोरिक मोमेंट है। और आप जानते हो देश भर में, दुनिया भर में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तो सत्ता थी, सरकार थी, मैं भी मंत्री था, कई हमारे साथ 8-9 मंत्री थे, लेकिन हम लोग सत्ता को त्याग दिया और गठबंधन की सरकार बनाने में, जब लोग सरकार की तरफ जाते, सत्ता की तरफ जाते, लेकिन हम सत्ता को त्याग कर विपक्ष की ओर गए। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस महाराष्ट्र की जनता के दिल में था कि यह गठबंधन की सरकार बने। और मैं मोदी जी और अमित भाई शाह जी को धन्यवाद दूंगा, देवेंद्र फडणवीस जी को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने सरकार बना दिया और मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। और तब से आप जानते हो कि हम 10-11 महीनों में महाराष्ट्र में ऐसे निर्णय लिए हैं कि जो आम जनता के जीवन में बदलाव लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने पिछले सरकार में, जो हमारी सरकार स्थापित होने के पहले जो 2.5 साल वाली सरकार थी, उन्होंने पूरे सब जो प्रकल्प है, जो विकास के प्रकल्प है, जो लोगों के भले के जो निर्णय है, उसे पूरी तरह रोक दिया था, उसमें ब्रेक लग गई थी। लेकिन जैसी हमारी सरकार स्थापित हुई, बिल्कुल ब्रेक को हटा दिया, स्पीड ब्रेकर हटा दिया और रुके पड़े कार्यक्रम जो है, प्रकल्प है, हम आगे बढ़ा दिए और राज्य की जनता भी जानती है। और इसीलिए उसी वक्त जो 23 राज्यों के प्रमुख मेरे साथ में आ गए, उनको भी मैंने कहा कि अपनी शिवसेना, बाबा साहेब ठाकरे जी की विचार वाली शिवसेना जो हमारे पूरे देश में हमें आगे बढ़ानी है, वहां के लोकल मुद्दे है, इश्यूज है, उसे हम, जैसे महाराष्ट्र में भूमि पुत्र के विषय, वैसे हर राज्य के इश्यू को लेकर हम उनकी भाव, उनकी जो, उनको न्याय देने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से वैसे ही मैं पा रहा हूँ, आज भी 11 राज्य के प्रमुख यहाँ उपस्थित है, ये श्रीनगर जम्मू के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, और पहली बार आज इस श्रीनगर में शिवसेना की ऐतिहासिक बैठक
पदाधिकारियों की राज्य प्रमुखों की हो रहे हैं, इसलिए मैं आज मुझे बहुत खुशी है। ये भी मैं कहूंगा आपको पत्रकार मित्रों से कि आज श्रीनगर में भी आप जानते हो मैं जो हमारे गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की, डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो आज के हालात है बहुत ही सुधरे हुए हालात है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। और ये इस बार भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी और अमित भाई जी को, क्योंकि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था, वो कहते थे कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ तो मैं धारा 370 को हटाऊंगा और दूसरी बात अयोध्या में राम मंदिर बनाऊंगा। लेकिन देखिए आज वही सब कुछ देख रहे हैं, आज यहाँ पर लोगों को रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और इसी के मद्देनजर रखकर आज यहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, विकास के काम हो रहा है, लोग भयमुक्त होकर यहाँ पर अपनी अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और यही हम जानते हैं कि इस कश्मीर का विकास हो, यहाँ के जो स्थानीय लोग जो है, यहाँ के भूमिपुत्र है, यहाँ पर उनके हाथ को काम मिले और वो अनेक हजारों लाखों लोगों के युवाओं को रोजगार देने वाले तैयार हो जाए, ऐसी हमारी कोशिश भी है, उम्मीद भी है। इसलिए केंद्र सरकार से भी हम लोग निश्चित रूप से, जैसे महाराष्ट्र के लिए हम लोग सहयोग मांगते हैं, वैसे मनोज सिन्हा जी भी बहुत ही कार्यकुशल, यहाँ उनकी लीडरशिप है और वो भी इस कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं। और हमारा मुद्दा एक ही है कि इसका विकास हो। ये इतने बड़े टूरिस्ट लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ आने के बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजी रोटी मिले, उनका भी विकास हो, यही हम चाहते हैं। बाकी हमारी राज्य प्रमुखों की बैठक होगी, उसमें हम लोग निश्चित रूप से जो मोदी जी के 9 साल पूरे हुए और उसमें हर राज्य में फिर उनके हाथ मजबूत करने के लिए फिर 2024 में भी बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी लोकसभा में आएगी, और इसलिए शिवसेना ये एनडीए का एक घटक पक्ष है, हमारी भी पूरी ताकत, हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि 2024 में फिर एक बार मजबूत सरकार लोकसभा का यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में बने। साहब आपको भी पता होगा कि सुप्रिया सैले और प्रसून पटेल को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन अजीत पवार को इग्नोर किया है, उसके आप क्या है? देखिए जो पहले उद्धव जी ने शिवसेना में किया, खुद मुख्यमंत्री बन गए और अपने बेटे को मंत्री बना दिए, वैसे भी एनसीपी में भी हुआ है। शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता है, काबिल नेता है, वो अध्यक्ष रहे और सुप्रिया सैले को कार्याध्यक्ष बनाया, मतलब अभी इसके आगे मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, उनके अंदरूनी ये पार्टी का मामला है, लेकिन घटना तो एक समान है। जब जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं तो इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, और जिस वक्त आपने इससे पहले हमने इलेक्शन के एन मौके पर एनसीपी को यहाँ पाया और बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज को पाया, लेकिन आज जो यहाँ बैठक हो रही है इसमें कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक होगा कि इलेक्शन होने चाहिए, आप भी उस हक में है कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होने चाहिए ताकि विकास का जो फार्मूला है ये ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, और क्या बीजेपी और शिवसेना यहाँ पर अलायंस में इलेक्शन लड़ेगी, चाहे वो विधानसभा के हों या सांसद के? देखिए हम अभी एनडीए के घटक पक्ष है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत ही मजबूती से महाराष्ट्र में काम कर रही है, मैं और देवेंद्र फडणवीस जी, हमें पूरा समर्थन आदरणीय मोदी जी का है, अमित भाई का है, और बहुत तेजी से विकास हम करें। वैसे ही लोकशाही में तो चुनाव तो होने वाले हैं, और लोकशाही में आज अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम तो आज देखिए आप भी देखिए कि बदलाव हो रहा है, लोग जो है लोगों के दिल का डर निकल रहा है, और यही तो चाहिए, क्योंकि विकास अगर होगा तो लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उनके दिल का भय मुक्त हो जाएगा, और यही सब लोग चाहते हैं। जी आपने 2024 के इलेक्शन की बात की, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले कुछ
दिनों में देखे तो राजनीति काफी टर्मिनल एंगल ले रही है, चाहे वो औरंगाबाद की बात हो या फिर टीपू सुल्तान या औरंगजेब की बात हो, तो क्या महाराष्ट्र से ही 2024 का इलेक्शन एजेंडा सेट होगा? देखिए, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन जब बार बार विपक्ष एक ही बात कहता है, बार बार अलग अलग बयान देते हैं लेकिन मुद्दा एक ही होता है, और उसमें औरंगजेब और टीपू सुल्तान का उदात्तीकरण होता है, उनके फोटो निकालते हैं, उनको उनका बैनर लगाते हैं, ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा बिल्कुल, और महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महाराष्ट्र है, उनकी प्रेरणा और आदर्शों पर हमारी सरकार चल रही है, इसलिए कानून व्यवस्था कोई भी जो हाथ मिले उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पूरी तरह सरकार कर रही है। रिसेंटली संजय राउत की तरफ से एक बड़ा क्लेम आया जिसमें कहा गया है कि गृहमंत्री ने जो आपकी कैबिनेट है उसमें से 4 की जो मिनिस्टर्स है उनको हटाने का कहा, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? संजय राउत जी, देखिए, अभी देखिए, मैं उससे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। कीचड़ में पत्थर मारते तो क्या होता है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूँ।